कितने कितने जरा जोर से बोलिए कितने। मोदी ने क्या गिना, किसका नाम लेकर गिना? ये मोदी ने सब कुछ साफ कर दिया है। मोदी ने क्या साफ कर दिया, किसका जिक्र किया? क्योंकि कटी बंद हो गई है, कमीशन बंद हो गया है, मोदी ने आकर के सब साफ कर दिया। मोदी ने किसका कट कमीशन बंद कर दिया, कैमरे पर आगे क्या कहा? ना गरीबों का पैसा लूटने दूंगा, ना ही खजाना नेताओं की तिजोरी भरने दूंगा मैं। प्रधानमंत्री ने किस खजाने की बात की, किस लूटतंत्र का जिक्र किया? भ्रष्ट तंत्र तहस नहस हो गया। प्रधानमंत्री ने किसका भ्रष्ट तंत्र तहस नहस किया, आगे क्या होगा, इसे लेकर क्या इशारा दिया? कुर्सी का ही खेल चलता रहा। मोदी के ये शब्द किसके लिए हैं? प्रधानमंत्री ये किसके लिए कह रहे हैं? करप्शन की हर काली करतूत में है। करप्शन की काली करतूत के पीछे किसका चेहरा छिपा है? मोदी ने किसकी ओर इशारा किया है? काले राज, काले राज। प्रधानमंत्री ने किसका काला चिट्ठा खोला है, किसके काले राज का जिक्र किया है? हिसाब चुकता होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, बेईमानों को सजा होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। कौन है वो बेईमान जिसका हिसाब चुकता करने की बात कह रहे हैं मोदी? क्या वो है कोई मोदी का कट्टर विरोधी? माफिया, माफिया के हवाले कर दिया, माफिया के खिलाफ बीजेपी सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी, माफिया को मिटाएगी। मोदी किन माफियाओं के पीछे पड़ गए हैं, किस माफिया को मिटाने की बात कह रहे हैं? मोदी आएगा तो सब ठीक हो जाएगा, मोदी आ रहा है तो बात हो जाएगा। मोदी कौन सा ऑल आउट मिशन शुरू कर चुके हैं? मोदी आएगा तो सब ठीक हो जाएगा, मोदी आ रहा है तो बस हो जाएगा। प्रधानमंत्री ये क्यों कह रहे हैं, कौन सा हिंट दे रहे हैं? जवाब इन तस्वीरों में है। मोदी ने करप्शन को 2024 का कोर इशू बनाया। मोदी विरोधियों ने देश के अलग अलग हिस्सों में शोर मचाया, उत्पात मचाया, एनार्की फैलाई और अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाया। अब ये पूरी तरह से क्लियर हो चुका है, 24 की लड़ाई में एक तरफ चौकीदार है, दूसरी तरफ भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार के आरोप संजय सिंह तो जेल जा चुके हैं, मगर कई और चेहरे अभी बाहर हैं। करप्शन के आरोप राहुल पर भी हैं, लालू और तेजस्वी पर भी हैं, दीदी के भतीजे अभिषेक बनर्जी पर भी हैं। यह लिस्ट बहुत लंबी है। मोदी पब्लिकली कह चुके हैं, एक बार नहीं दर्जनों बार कह चुके हैं, एक भी भ्रष्टाचारी बचेगा नहीं, भ्रष्टाचारियों के जेल जाने का सिलसिला रुकेगा नहीं। इसका असर क्या हुआ? असर यह हुआ कि उधर ईडी ने संजय सिंह को गिरफ्तार किया, इधर संजय सिंह के घर मोदी विरोधी नेताओं का राउंड लगना शुरू हो गया। रात में केजरीवाल पहुंचे, फिर आरजेडी के मनोज झा पहुंचे, सुबह होते होते संजय राउत पहुंच गए। ऐसा लग रहा था मानो करप्शन के आरोप में घिरा एक करप्ट दूसरे करप्ट को यह कह रहा हो कि चलो अब तो साथ में लड़ो, नहीं तो मरो। और लड़ने के लिए स्क्रिप्ट क्या चुनी गई? स्क्रिप्ट चुनी गई मोदी वाली। कोर्ट में पेशी के वक्त संजय सिंह को कैमरे के सामने
चंद सेकंड्स का मौका मिला और यहां भी उन्होंने मोदी वाला टेप ही ऑन कर दिया। क्या है मोदी जी का, हारेंगे मोदी जी, मोदी जी चुनाव हार रहे हैं इसलिए सब करा रहे। संजय जी क्या कहना चाहेंगे साथ? संजय जी, मोदी जी चुनाव हार रहे हैं इसलिए सब करा रहे। संजय सिंह ने कैमरे पर जो लाइन बोली उसकी भूमिका तो बुधवार रात से बना दी गई थी। पोस्टर रात में ही छपकर अलग अलग टाइमलाइन पर फैला दिए गए। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, इंडी अलायंस सब एक साथ मोदी पर टूट पड़े। 24 में किसी तरह मोदी को हटाओ वाला एजेंडा चला। मोदी ने जीना हराम कर दिया, मोदी ने तबाह कर दिया, यह सब विरोधियों की टाइमलाइन पर दिखा। भ्रष्टाचार और करप्शन के आरोप में घिरे नेताओं पर एक्शन क्या हुआ? आम आदमी पार्टी ने मोदी को ही करप्ट बताना शुरू कर दिया। मोदी आजाद भारत के सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री हैं। केजरीवाल के इस बयान को उनकी पार्टी ने ट्विटर ट्रेंड बनाना शुरू कर दिया। मोदी को कायर नंबर वन, आपके हैंडल पर यह तक कहा गया। दिन भर अलग अलग पोस्टर्स बने, सबके ऊपर मोदी विरोधी नफरती टैक्स चिपके। जिस वक्त सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री के खिलाफ ये दुष्प्रचार चल रहा था, उस वक्त आम आदमी पार्टी का इकोसिस्टम सड़कों पर शोर भी मचा रहा था और हर आधे घंटे में कैमरे पर हेट मोदी वाला बयान जारी कर रहा था। पहले एक आया, फिर दूसरा आया, फिर तीसरा। ऐसा लगा मानो सबको एक ही स्क्रिप्ट पकड़ाई गई थी कि संजय सिंह के करप्शन पर कुछ मत बोलो, बस मोदी को घेरो। 2024 में मोदी की हार तय है, बार बार यही कहो। जब इंडिया गठबंधन का वो कुछ नहीं कर पा रही है तो उन्होंने अब इस बात को सोचा है कि सबको जो है दहशत पैदा करो, और वो दहशत पैदा करने का सिलसिला कल तो तीसरा दिन था। पहले आपने देखा कि पत्रकारों पर दहशत पैदा की गई कि आप बोलोगे नहीं, उसके बाद जो है टीएमसी की महिला सांसद को घसीट कर गिरफ्तार किया जाएगा, सड़क पे प्रोटेस्ट नहीं करोगे, उसके बाद कल संजय सिंह जी के घर पे दिन भर छापेमारी, कुछ नहीं मिला, रात में गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये तो जो सिलसिला शुरू हुआ है वो कहीं ना कहीं इस बात को दिखा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर काफी गहरा एक डर और दहशत है। उसको अब एक ही बात समझ में आ रही है कि एनडीए से काम नहीं चलेगा, अब ईडी ही उसका बेड़ा पार कर सकती है। जो उनके खिलाफ आवाज उठाएगा वो जेल जाएगा, जो उनके खिलाफ आवाज उठाएगा उसके घर में छापे मारे जाएंगे, जो उनके खिलाफ आवाज उठाएगा उसको घसीट घसीट के सड़कों पर लेके जाएंगे, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट है। आम आदमी पार्टी की टाइमलाइन पर संजय सिंह के करप्शन पर सन्नाटा पसरा है, पोस्टर ईमानदार वाला चिपका। आपने तो करप्शन के एक आरोपी को हीरो बना दिया, मगर देश के प्रधानमंत्री के नाम के आगे गुंडागर्दी लगा दिया। केजरीवाल की पार्टी ने मोदी को तानाशाह डिक्लेयर कर दिया। कांग्रेस सपोर्टर्स हर घंटे नया हैशटैग घुमाने लगे, करप्शन के आरोपी के पीछे खड़े हो गए। लालू की पार्टी अघोषित आपातकाल वाला टैक्स लेकर आई। दीदी की पार्टी ये लिखने लग गई कि मोदी सरकार के दिन अब खत्म होने वाले हैं। अखिलेश धमकी जीवी वाला नैरेटिव लेकर आ गए। मोदी पर यह हमला चारों ओर से हुआ, हर दुश्मन ने किया, और हमला करने वाले वही नेता थे, वही पार्टियां थीं जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। इनकी तिलमिलाहट ही इस बात से है कि मोदी ने करप्शन के खिलाफ जंग छेड़ दी है, इसीलिए सारे 24 वाला टेप लेकर बैठ गए हैं। सारे केस झूठे लगा रहे हैं ये लोग, तो कुछ इतने केस लगा लिए, इतनी जांच कर ली, कुछ निकलता तो है नहीं। तो इस जांच के खेल में टाइम ही खराब होता है, सबका टाइम खराब होता है, जांच एजेंसियों का भी टाइम खराब होता है, सरकार का भी। सबको काम करना चाहिए, देश के लिए काम करना चाहिए, तभी तो देश तरक्की करेगा। सबको झूठे केसों में फंसा के उससे तो देश तरक्की नहीं करेगा। मुझे मालूम है, मैं यहाँ आ रही थी तो मैंने कुछ लोगों से पूछा, नौजवान खड़े थे, मैंने पूछा कि भाई क्या लगता है इस चुनाव में क्या होने वाला है, कहने लगे राजा जा रहा है। हम उनके साथ है, ये विश्वास दिया हूँ। संजय सिंह तो लड़ने वाला आदमी है, लड़ते रहेंगे, उनका परिवार भी लड़ने वाला है। करने दो ना हमला, ऐसे हमले हमको ज़्यादा मजबूत बनाते हैं। आपका काउंटर क्या रहेगा इस पर?
क्या करना है काउंटर, लड़ेंगे हम, झुकेंगे नहीं। एक ही दिन सोचिए, पत्रकारों की भी गिरफ्तारी हुई और फिर संजय सिंह आप पार्टी के नेता उनकी भी गिरफ्तारी हो गई ईडी की तरफ से। बीजेपी ये समझ ले इनके खिलाफ 100 करोड़ लोग हैं। इस बार जब 2024 का चुनाव होगा तो 100 करोड़ लोग इनके खिलाफ हैं। क्या ये 100 करोड़ लोगों को गिरफ्तार कर लेंगे? इस बार यही भारत की जनता पीडीए मिलकर के इंडिया भारतीय जनता पार्टी का सफाया कर देगी और जिन जिन से ये घबराते हैं उन्हीं को गिरफ्तार करने जाते हैं। अभी संजय सिंह गिरफ्तार हुए, अभी आप कुछ सच दिखा दोगे तो आप गिरफ्तार हो जाओगे। अगर गिरफ्तार होने का मन है तो सच दिखा दो। भारतीय जनता पार्टी को इस बार लोकसभा के चुनाव में सबक सिखाएंगे। 14 में जो आए थे वो 24 में चले जाएंगे। यूपी से आए थे, यूपी से ही बाहर चले जाएंगे। इंडिया के साथ साथ एनडीए को पीडीए हराने का काम करेगा। गलत है संजय भाई के जिस तरह कल उनको उनके घर से जेल में लेके गए वो गलत है और इससे देख रहा है कि इंडिया की ताकत बढ़ रही है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को डर लग रहा है इलेक्शन का, इसीलिए तो ये कर रहे हैं। मोदी के विरोधी शोर तो खूब मचा रहे हैं। मोदी ने संजय सिंह को फंसा दिया ये तक फैला रहे हैं और इसी बहाने 24 में मोदी की हार का एजेंडा चला रहे हैं। मगर कोई ये नहीं बता रहा कि भ्रष्टाचार के आरोप में घिरे संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया तो क्यों किया गया, इसकी इनसाइड स्टोरी भी अब आ गई है। ईडी ने कोर्ट को बताया है कि शराब घोटाले में 2 करोड़ का लेन देन हुआ है। ईडी के रिमांड पेपर में संजय सिंह के घर पर पैसे देने की बात कही गई है। 2 किश्तों में यह पूरी लेन देन हुई है। सरकारी गवाह बने दिनेश अरोड़ा के बयान के मुताबिक उसने लेन देन की बात फोन पर कन्फर्म की है। ईडी ने यह भी कहा है कि संजय सिंह के घर से डिजिटल एविडेंस भी कलेक्ट किए गए हैं, फोन जब्त किया गया है, कुछ कॉन्टैक्ट नंबर्स भी मिले हैं। अब सबूतों के आधार पर संजय सिंह से पूछताछ होगी, उनका आमना सामना कराया जाएगा। कोर्ट से ईडी को 5 दिन की रिमांड मिल गई है, मतलब साफ है भ्रष्ट तंत्र में शामिल नेताओं की मुसीबत बढ़ने वाली है। लेकिन भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद सीना जोरी की इंतहा देखिए। संजय सिंह कोर्ट में जो कहते हैं आपकी टाइमलाइन पर शब्दशः वही टेक्स्ट चिपक जाते हैं। मैसेज की इनकमिंग आउटगोइंग ऐसे ही चलती रहती है। आगे की स्ट्रेटजी एनसीपी की एक्सटेंडेड वर्किंग कमेटी की मीटिंग में शरद पवार बनाते हैं। चुनाव में सीटों के लेन देन पर सबको साथ आने को कहते हैं। दिल्ली में कांग्रेस आम आदमी पार्टी को 7 में से 3 सीट दे, बंगाल में ममता और कांग्रेस सेम पिच पर रहें, राज्य में चुनाव लड़ें, लेकिन लोकसभा में मोदी के सामने जमकर डटें, यानी जिन जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, वो सारी पार्टियां मोदी के एक्शन वाले टेंशन से बचने के लिए जोड़ तोड़ पर काम शुरू कर चुकी हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि जितने विपक्ष के लोग जो विजय सिंह के खिलाफ है वो जब लोकसभा का चुनाव आएगा तब मिलकर कुछ कर सकते हैं क्या। मैं जानता हूँ कि कई राजनीतिक दल में मतभेद है। आज पश्चिम बंगाल में जाइए, ममता जी और कांग्रेस, ममता जी और यस, इसमें मतभेद है। किसी के विधानसभा में आप भेजो मगर देश की राजनीति ठीक रास्ते पर लाने हो तो लोकसभा के लिए मिलकर जाने के लिए कोशिश करो। इससे आप अंदाजा लगा लीजिए मोदी विरोधी इकोसिस्टम कितना घबराया हुआ है, पैनिक में बार बार मोदी को ही टारगेट कर रहा है। मोदी के खिलाफ पोस्टर वॉर शुरू कर चुका है। लोग अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर हंस रहे हैं और उनके चेहरे का तनाव देख रहे हैं। अभी किंग पिन बाहर है, किंग पिन का नंबर भी आएगा, जांच चल रही है और जिस जिसको आज तक ये ईमानदारी का सर्टिफिकेट श्रीमान अरविंद केजरीवाल बांटते रहे वो एक एक साल से जेल में है। क्या अरविंद केजरीवाल जी को किसने अधिकार दिया ईमानदारी के सर्टिफिकेट बांटने का? सत्येंद्र जैन जी जेल में है, मनीष सिसोदिया जी जेल में है, संजय सिंह जी जेल में जा रहे हैं और अगली किसकी बारी है ये मीडिया की हेडलाइन बनने की तैयारी।
मोदी ने करप्शन पर एक्शन लिया तो भ्रष्ट इकोसिस्टम ने हमला और तेज कर दिया। कांग्रेस ने पहले मोदी को झूठा बताकर हमला किया, फिर थोड़ी देर बाद जुमला वाला फिल्मी पोस्टर रिलीज कर दिया। जवाब में काउंटर अटैक बीजेपी ने भी किया। राहुल का ये पोस्टर सोशल मीडिया पर घुमाना शुरू कर दिया। भारत खतरे में है वाला टेक्स्ट फिट कर दिया। पोस्टर वॉर कांग्रेस भी कर रही है, आम आदमी पार्टी भी कर रही है, निचले दर्जे की भाषा का इस्तेमाल कर रही है, मगर बीजेपी जब राहुल का एक पोस्टर बनाकर ट्विटर पर अपलोड कर देती है तो मोदी विरोधी झुंड को मिर्ची लग जाती है। राहुल में राम ढूंढा जाने लगता है, बीजेपी को राक्षस कहा जाने लगता है। जयराम रमेश कहते हैं, राहुल को लेकर ऐसा पोस्टर बनाया कैसे, इतनी हिम्मत हुई कैसे, यानी कांग्रेस मोदी के लिए अनाप शनाप फैलाए तो ठीक, लेकिन इधर से जवाब मिले तो गलत। मोदी विरोधी मोर्चे की ये खींच इतनी ज्यादा इसलिए बढ़ी हुई है क्योंकि प्रधानमंत्री अब पीछे हटने के मूड में नहीं है। भ्रष्टाचार को 2024 का सबसे बड़ा स्लोगन बना चुके हैं। अच्छा, मैं भाइयों बहनों में एक सवाल पूछूं आपको, उधर वालों को पूछूं, आप जवाब देंगे, सबके सब देंगे। अच्छा, आप सबने लाल डायरी के बारे में सुना है, माताओं बहनों ने भी सुना है, उधर बच्चियों ने भी सुना है। लोग कहते हैं कि लाल डायरी में कांग्रेस के करप्शन की हर काली करतूत उसमें है। आप मुझे बताइए, इस लाल डायरी के काले राज, सुनिए, इस लाल डायरी के काले राज खुलने चाहिए कि नहीं खुलने चाहिए, सब खुल करके बाहर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, हिसाब चुकता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बेईमानों को सजा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। अब मुझे बताइए, क्या कांग्रेस सरकार लाल डायरी के राज खुलने देगी क्या, सामने आने देगी क्या? अगर ये सच जानना है तो कौन चाहिए, ये कौन चाहिए? भाजपा सरकार लानी होगी। मोदी के पास सबकी लिस्ट रेडी है। 24 की लड़ाई ही चौकीदार वर्सेस भ्रष्टाचार की होने वाली है। मोदी सबका कट कमीशन बंद कर चुके हैं और जिस जिसने लिए हैं, प्रधानमंत्री सबकी दुकान बंद करने वाले हैं, सबका सामना कानून से कराने वाले हैं, हर भ्रष्टाचारी का पूरा हिसाब किताब करने वाले हैं। खजाना लूटने का काम हो रहा था 2014 में आने के बाद, ये मोदी ने सब कुछ साफ कर दिया। ये लोग गुस्सा करते हैं, इसका कारण भी यही है कि उनकी कटकी बंद हो गई है, कमीशन बंद हो गया है। मोदी ने आकर के सब साफ कर दिया, ना गरीबों का पैसा लूटने दूंगा, ना ही कांग्रेस का खजाना, कांग्रेस के नेताओं की तिजोरी भरने दूंगा मैं। और मोबाइल की एक ऐसी त्रिशक्ति बनाई कि कांग्रेस का भ्रष्ट तंत्र तहस नहस हो गया।